फ्रांस में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इस साल भारतीय सेलिब्रिटीज का खूब जलवा है। पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ तो दीपिका पादुकोण जूरी की हिस्सा बनी। फेस्टिवल के पहले दिन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रेड कार्पेट पर नजर आए। उनके साथ एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर माधवन व कई भारतीय हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान भारतीय सिंगर और कंपोजर एआर रहमान और अभिनेता कमल हसन भी नजर आए। इस इवेंट में दीपिका पादुकोण, पूजा हेगड़े, तमन्ना भाटिया, हेली शाह से लेकर कई एक्ट्रेस पहुंची थी।